मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मैं सबसे पहले तहे दिल से कहना चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। टिबेटियन कैलेंडर के अनुसार पांचवा महीना का 10वीं तारीख के दिन खिनमे मॉनेस्ट्री में हर साल दीर्घायु आशीर्वाद प्रदान का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर हजारों की संख्या में लोग मॉनेस्ट्री में आकर एकत्रित होते हैं, स्पेशली फॉर देयर लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। आपको पता ही होगा, जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ व्यवसाय चलता है। वैसे ही ठीक मॉनेस्ट्री के रास्ते पर पहुंचे तभी मुझे फल फूल बेचने वाले मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं हरी भरी सब्जियों में लोकल खीरा, घी, लोकल मिर्चा, चुरपी आदि वगैरह बेचने के लिए रास्ते पर निकले हुए थे। मॉनेस्ट्री के गेट के अंदर पहुंचते ही दीपालय मिला। वहां जाकर सभी जीव जंतु के पुण्य के लिए दीप जलाकर और उन सभी के लिए प्रार्थना किया। इसके बाद उस मैदान की ओर गया जहाँ धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे। और दुंजन के साथ होता हुआ मॉनेस्ट्री का नृत्य शुरू हुआ और उस नृत्य का हमने भरपूर आनंद लिया। मॉनेस्ट्री में आए हुए एक थेरावाद पंडित का दर्शन हुआ, जो कि बैंजर गुरु का मंत्र जाप कर रहा था। और कुछ देर बाद खिनमेरे मज पधारे और उनका प्रवचन सुनने का हमें शुभ अवसर जो मिला। खास तौर पर यह दिवस गुरु पद्मसम बाबा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसीलिए हम उनका मंत्र बेंजर गुरु, जो कि आप सभी को पता है, उसका जाप करता रहा। लोगों का मानना है कि खिनमे में जब जब दीर्घायु का आशीर्वाद देना प्रारंभ होता है, तब तब मौसम बदलता है और बारिश देना लगता है। तो इस दिन में भी ऐसे ही हुआ जैसे कि लोगों का मानना है।
जैसे ही रिम्पोचे अपना आशीर्वाद देने का जो क्रम है वो उसको शुरू किया, वैसे ही मौसम बदल गया और बारिश दरादर गिरने लग गया। बारिश के बीच में भी हमने दीर्घ आयु आशीर्वाद लेने का साहस किया और वीरवार से होते हुए चला गया। जब मैं वीरवार से होते हुए जा रहा था तब मुझे महिलाएं दिखे जो कि उनके हाथ में रोता हुआ बच्चा पकड़ा हुआ था और बच्चा उन्हें तंग कर रहा था। तो मैंने उन महिलाओं को आगे भेजने के लिए प्रयास किया और उन्हें अपने से पहले भेजा। मठ के सामने भिक्षुओं और वॉलंटियर के द्वारा प्रसाद बांट रहा था। प्रसाद लेने के बाद इतना ज्यादा बारिश किया कि हम लोग वहाँ पे बैठ नहीं सक रहा था और छाता भी नहीं था, इसलिए हम लोग टेंट में जाकर बारिश रुकने का इंतजार किया।